भाजपा तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रही, भाजपा तो हमारा सब यात्रा निकाल रही है। कहता है पुलवामा हमला में सरकार ने करवाया था और उसको करवा करके हमारे जवान शहादत दे करके और वो सत्ता में आना चाहती है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा के गांव तरकावाली के शहीद स्मारक कृष्ण कुमार खेल स्टेडियम में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में 15 अगस्त बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आसपास के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ शहीद स्मारक गांव तरकावाली में एकत्रित हुए हैं और हम कह सकते हैं कि किसान तिरंगा यात्रा को लेकर के यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। टिकरी बॉर्डर अगर दिल्ली की बात करें तो किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे हम राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो किसान प्रदर्शन किसान धरना जो दिल्ली में चल रहा है चाहे उसकी बात करें, चाहे सिंघू बॉर्डर की करें, तमाम किसान नेता इस वक्त हमारे बीच में है, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी राकेश जी, आज आप तरकावाली में पहुंचे हो, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? हम आज स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश इसी तरह हमेशा आगे बढ़ता रहे। टिकरी बॉर्डर से आप चल करके सीधा गांव तरकावाली के शहीद स्मारक में पहुंचे हो, क्या कुछ संदेश? आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम आज सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो 3 काले कानून बनाए हैं किसानों के विरोध में उनको तुरंत वापस लिया जाए ताकि किसान का जमीन बची रहे, और साथ में हम MSP के गारंटी कानून की मांग करते हैं। यही संदेश है जी। इधर तो पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं एक तरफा ऐसा माहौल इस देश में हो रहा है। पिछले 8-9 महीने की बात करें तो जो देश का किसान है वो सड़कों पर है, तो क्या कुछ मैसेज आज के दिन देना चाहो? हम किसानों की शान और उनके हक को रखने के लिए 3 कानून वापस लिए जाए तथा MSP का कानून बनाया जाए गारंटी का, ताकि उनको अपनी फसल का निश्चित दाम मिल सके। बलराम जी, टिकरी बॉर्डर से राकेश कुशवाहा जी भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, शहीदों के सम्मान में एक बहुत बड़ी किसान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ विशेष आज के लिए? विशेष ये है, पहले तो मैं 75वीं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई देता हूँ। आज हम जिनकी वजह से आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो जवान है, आज हम जिनकी वजह से पेट भरकर खा रहे हैं आराम से सो रहे हैं वो किसान है। तो आज का ये किसान मजदूर संघर्ष यात्रा है, तिरंगा यात्रा, वो जवान और किसान के सम्मान में है, ठीक है। और जो BJP ने षड्यंत्र के तहत तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो तिरंगा का जिन लोगों ने 52 साल तक अपने ऑफिस पर कभी तिरंगा नहीं फैलाया वो आज तिरंगे की बात करते हैं। और सरेआम हिसार के MLA ने कहा तिरंगे का अपमान करो, और पीछे प्रधानमंत्री जी एक तस्वीर वायरल हो रही है जो मुख से पसीने पूछते हुए तिरंगे का, वो तिरंगे का सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ उनका पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, किसी तरह किसान जवान गरीब मजदूर आपस में टकराएं, उनका उद्देश्य है लड़ाना डिवाइड एंड रूल। तो ऐसे लोग सत्ता में क्यों आ जाते हैं? सत्ता में उनकी भागीदारी, ये मीडिया की वजह से है, मीडिया भ्रमित करता है लोगों को, जो सही एंगल है वो नहीं दिखाता मीडिया का। मैं आपके माध्यम से, आप लोकल मीडिया हो, मीडिया का काम होता है मीडिया जैसे न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं की खबर देना, लेकिन मीडिया आज गोदी मीडिया है, वो उनकी गोदी में बैठकर जो वो प्रोपेगेंडा एजेंडा बना के देते हैं वही पर फोकस करता है और आम आदमी उससे भ्रमित होता है, इस वजह से ये सत्ता में। नरेश साहू जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया है, एक तरफ किसान है वो धरना पर बैठा है, क्या कुछ स्थिति है देश की? पहले तो मैं सबसे पहले इस देश के इस पवित्र त्यौहार पर 75वें इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह, जहाँ किसान बैठा है, आज मेरा बड़ा भाई टिकरी बॉर्डर से चल के आया है, जिन 9 महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, वो सरकार नहीं है, वो एक तानाशाह है, वो अपनी चलाना चाहती है, वो इस देश को गुलाम कराना चाहती है। आज मैं मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो टिकरी बॉर्डर से चल करके हमारे बीच में आज इस छोटे से गांव में इस शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, इस किसान के तिरंगा यात्रा की निकालने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले तो सभी इन तमाम साथियों का तह दिल से हार्दिक धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैंने भी 19 दिन लगाए हैं टिकरी बॉर्डर पर, तो इस सरकार के जू नहीं रेंगती, ये सरकार नहीं है, ये एक तानाशाह राज है,
इस देश में, ये बिल्कुल इस देश को गुलाम करना चाहती है। अंबानी और अडानी के हाथ में इस देश की वो दे करके लगाम दे करके और इस देश को ऐसे हालात में पैदा कर देगी कि इन युवा साथियों का क्या होगा। आप ये साथी खड़े हैं जो देश पे देश की शहादत दे रहे हैं, इन पे नहीं है। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, जैसे उन्होंने कहा था अभिनंदन जी हम लेकर के आए कि उसके उसको उसने एक बयान दिया था 4 दिन पहले, कहता है पुलवामा हमला में सरकार ने करवाया था और उसको करवा करके हमारे जवान शहादत दे करके और वो सत्ता में आना चाहती है। तो आने वाले 2024 में भी यही काम करेगी सरकार। भाजपा आज तिरंगा यात्रा भाजपा भी निकाल रही है, उनके बारे में क्या कहोगे? भाजपा तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रही, भाजपा तो हमारा सब यात्रा निकाल रही है। हाँ, ये भाजपा की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये सब यात्रा है हमारी। क्या राकेश जी ये सही बात करें? बिल्कुल जी, भाजपा किसानों के विरोध में कानून बनाती है, देश के विरोध में कानून बनाती है, देश की संपत्ति का निजीकरण करती है, तो वो भाजपा को हक नहीं है तिरंगा यात्रा निकालने का। असली तिरंगा यात्रा तो आज किसानों ने निकाल ली है, करोड़ों किसान युवा पूरे देश के अंदर करोड़ों बाइकों के ऊपर आज तिरंगा यात्रा निकाली है और सिरसा जिला के हर गांव से लगभग 20 से 30 मोटरसाइकिल और लाखों लोगों ने आज जिन लोगों ने अच्छी तरह से तिरंगा यात्रा निकाली, जिन लोगों ने 52 साल तक आरएसएस का झंडा लहराया जयपुर की विधानसभा के अंदर, जयपुर के अंदर हाई कोर्ट की एक बिल्डिंग बना के दी थी इन लोगों ने, उस पे आरएसएस का झंडा लहराया इन लोगों ने, न कि तिरंगा। आज क्या आरएसएस का अधिकार हो गया जयपुर की उस विधानसभा पे? बिल्डिंग बना के किसी को किराए पे देना क्या उसका आरएसएस का अधिकार हो गया? इन लोगों ने इस देश को इतना गुलाम कर दिया, इस देश को बेच दिया है और आने वाले टाइम में और भी बेच देंगे। हमारे साथ शहीद कृष्ण कुमार के बड़े भाई हैं बलजीत सिंह जी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, एक तरफ किसान है वो धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ संदेश आज के लिए देना चाहूँगा? 75वां जो दिवस मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए मैं पहले तो किसान भाइयों को सभी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम काट गए या हमारे इस शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा पर आके फूलमाला चढ़ाई है। और बाकी जो चल रहे आज का ये प्रोग्राम था सर जी, आज शहीद कृष्ण कुमार खेल परिसर में पूरा क्षेत्र है वो एकत्रित हुआ है और तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कुछ संदेश देना था? इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी, क्योंकि किसान भाइयों ने अपना टाइम काट के कीमती समय में से यहाँ आके इस पे फूलमालाएं चढ़ाई हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद।